हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूके विजिटर वीज़ा के बारे में। तो ऑलरेडी यूके विजिटर वीज़ा के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, इवन हमने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आप खुद अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, उस पर भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों को यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर तो आपकी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत साफ है, नीट एंड क्लीन है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप केस ऑफिसर को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझा सकते हैं, तो आप यूके का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन थिंग होती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है उससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो जाहिर हो रही है कि आपके कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, कितने पैसे उसमें से जा रहे हैं, क्या आपकी सेविंग्स हैं, क्या आपके खर्चे हैं। अगर ये क्लियर पिक्चर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट से आप केस ऑफिसर को समझा सकते हैं तो आप यूके का वीजा ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है किसी भी कंट्री की, तो भी अगर आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरह से मेंटेन्ड है तो आप अपना यूके का वीजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड करने होते हैं। सबसे पहले तो आपके जो है जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अकेली बैंक स्टेटमेंट से दोस्तों बात नहीं बनती, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे जिससे ये शो हो सके कि आप अपनी होम कंट्री में एम्प्लॉयड हैं या आप अपना जो है बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। उसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास GST सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपके करंट अकाउंट की जो है ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो है सैलरी स्लिप्स, बैंक में सैलरी आ रही है, जॉब की NOC आपके एम्प्लॉयर से, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म 16 अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों यूके बहुत ही अच्छी कंट्री है वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती और किसी का भी वीज़ा बिना वजह से रिफ्यूज नहीं करती। अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं तो आपका जो डेफिनेटली है यूके का वीज़ा लग जाता है। इसमें जो है केस ऑफिसर सबसे ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देता है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो होती है आपकी कवरिंग लेटर और आइटनरी और आपका ट्रिप प्लान, कि आपने जो है कवरिंग लेटर में प्रॉपरली सारा कुछ मेंशन किया हुआ है अपनी जॉब या बिजनेस के बारे में, अपनी सेविंग के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, और जो भी आपकी होम कंट्री में आपकी टाइज हैं उसके बारे में, और जो आप यूके में जा रहे हो क्या एक्टिविटीज़ करोगे, क्या आपका ट्रिप प्लान है, क्या आपकी आइटनरी है, कब आप जाओगे, कब आओगे, कहाँ रुकोगे, कितने पैसे खर्च करोगे, कितने पैसे आपके पास सेविंग में पड़े हुए हैं, कितने मंथ की जो है आपने प्लानिंग की है अपने ट्रिप के लिए, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपको बड़े आराम से यूके वीज़ा दे देता है। कोई भी लंबी चौड़ी ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन हमने वीज़ाज लिए हैं जिनमें हमने मेंशन किया है कि एप्लीकेंट ने कहीं भी पहले इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया, सिर्फ अपनी होम कंट्री में ही उन्होंने जो है ट्रैवल के प्रूफ साथ में दे दिए और वो हमने लगा दिए कि मैंने अपनी कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है और मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता हूँ और मैं यूके जाना चाहता हूँ, और वो जो है वीज़ा बड़े आराम से ग्रांट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ऑफकोर्स आपको जो है कुछ सेविंग्स तो शो करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स थोड़ी कम भी हैं फिर भी आपको यूके जो है वीज़ा दे देता है। उसमें आपको थोड़ी इस तरह से प्लानिंग करनी होगी कि आपको अपने आप को एज अ बजट ट्रैवलर शो करना पड़ेगा, आपको इंस्टेड ऑफ होटल आपको हॉस्टल की बुकिंग शो करनी पड़ेगी। तो उसमें जो है इंस्टेड ऑफ जो है पैकेज टूर्स होते हैं उनको आप ड्रॉप करके जो है सेल्फ जो है एक्टिविटीज़ को शो कर सकते हैं कि मैं फ्री एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यूके के अंदर जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं, और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैकपैकर हैं वो करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ को मेंशन करके आप लो बजट के अंदर भी अपना जो है ट्रिप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जो है प्रोफाइल को है एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती होंगी तो हम आपको एडवाइस करेंगे, अगर कुछ कमी पेशी होगी तो वो भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप कैसे अपनी जो है प्रोफाइल को बोल्स्टर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जो है अपना वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप हमारी प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।